हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोर पीज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल करने के लिए किस तरह से इन फोर पी का इस्तेमाल करती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो पी है, दैट इज प्रोडक्ट। डिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के कंज्यूमर के लिए अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज को सर्व कर रहे हैं। 20% ऑफ द प्रोडक्ट कैप्चर 80% ऑफ द मार्केट रेवेन्यू। 20% मार्केट के प्रोडक्ट या सर्विसेज 80% मार्केट रेवेन्यू को कैप्चर करती हैं, एंड रेस्ट 80% ऑफ द प्रोडक्ट कैप्चर ओनली 20% ऑफ द मार्केट रेवेन्यू। मतलब बाकी बचे हुए 80% प्रोडक्ट मार्केट रेवेन्यू में 20% शेयर को कैप्चर करती है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने कंज्यूमर के लिए किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर सर्वे करना चाहिए। आस्क योर क्लाइंट व्हाट दे वुड लाइक टू बाय। आपका कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है, इसका सर्वे करना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन यू विल आस्क योर क्लाइंट और कंज्यूमर कि आज जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, और किस तरह से आप उसको रेक्टिफाई करके मार्केट में मच बेटर प्रोडक्ट सर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करती हैं और उन रिव्यूज के आधार पर कंपनी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करती हैं, न्यू फीचर और न्यू स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में लॉन्च करती हैं। जैसे आपने देखा होगा अब नया पेप्सोडेंट विद लौंग एंड नमक। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए इन 5 फैक्टर्स पर ध्यान देती है, और वो 5 फैक्टर हैं: नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 ब्रांड, नंबर 3 वारंटी और गारंटी, नंबर 4 आफ्टर सेल सर्विस, एंड नंबर 5 पैकेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आपको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते समय, प्रोडक्ट का रिव्यू करते समय, प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करते समय इन 5 फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए। एक सामान्य बिजनेसमैन से पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं आप, तो वो कहता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसमें मेरा एक मिनिमम मार्जिन जब मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पता चल जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करते। कॉर्पोरेट्स में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ये देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे होना चाहिए, और इसको लेकर बहुत सारे मिथ मार्केट में है। समवन वुड से रेज द प्राइस एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आप कीमत बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। एंड समवन वुड से रिड्यूस द प्राइस, कट डाउन द प्राइस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बायर। अगर आप प्राइस कम करते हैं तो आपके बायर बढ़ जाएंगे, जिससे आपका मार्जिन बढ़ने की संभावना कई गुना अधिक होगी। बट आई वुड लाइक टू से कि इफ यू रियली वॉन्ट टू डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट, आइदर यू आर गोइंग टू कट डाउन योर प्राइस और यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर प्राइस। डू फॉर अ सर्टेन टाइम आप एक रिसर्च करें कि थोड़ा सा प्राइस परसेंटेज बढ़ाने या घटाने से आपकी मार्केट रिवेन्यू पर क्या फर्क पड़ता है, मार्केट शेयर पर क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी स्कीम्स ऐसे डिजाइन करती हैं जिसमें वो प्राइस को ना तो चेंज करती हैं, ना इंक्रीज करती हैं, ना डिक्रीज करती हैं। वो केवल ऑफर के माध्यम से मार्केट रिसर्च करती हैं कि क्या ये ऑफर देने पर मेरा कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिटॉल शेविंग क्रीम, वो अपना प्राइस रिड्यूस नहीं करते लेकिन अपने प्रोडक्ट में 30% क्रीम एक्स्ट्रा देते हैं। इसका मतलब सेम प्राइस पर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिनसे मार्केट रिव्यू निकल कर आता है कि क्या प्राइस रिड्यूस किए बिना अगर आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं तो क्या बायर आपसे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होते हैं। और इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग बहुत सारी कंपनी करती है। वो एक लिमिटेड पीरियड तक अपने प्रोडक्ट में एडिशनल प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा। प्राइस स्ट्रेटेजी में बहुत सारी कंपनीज अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं, चेंज नहीं करती, लेकिन क्वांटिटी को रिड्यूस करके भी अपने प्राइस को इंक्रीज कर लेती हैं। ये जो इंक्रीमेंट इन प्राइस होता है वो प्रोपोर्शनेटली कंज्यूमर को दिखाई नहीं देता। जैसे 100 रुपी में 1000 ग्राम प्रोडक्ट, और ठीक 100 रुपी प्राइस चेंज नहीं किया लेकिन अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी घटाकर 900 ग्राम कर दी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज प्राइस एनालिसिस स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके वो देखती है कि मार्केट में कितना कंपटीशन उस प्रोडक्ट और उस सर्विसेज को लेकर चल रहा है, और मार्केट रिसर्च करने के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के प्राइस डिसाइड करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने ज्यादा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मतलब आपकी होलसेल सेल क्या है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाता, और कई प्रोडक्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है, प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन
मास के रूप में वॉल्यूम की वजह से वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बड़ा रिवेन्यू कैप्चर कर लेता है। एंड द नेक्स्ट इज प्लेस। इफ योर कस्टमर सेज योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, दैट मींस यू डोंट हैव राइट कस्टमर। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वे टू गेट द कस्टमर हु कैन बाय योर प्रोडक्ट। अगर आपका कंज्यूमर ये कहता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो इसका मतलब आप सही प्लेस पर काम नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे प्लेसेस को सर्च करना होगा जहां पर उनकी बाइंग कैपेसिटी अधिक हो। आप अपने कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग थ्रू रिटेल मार्केट, यू आर गोइंग थ्रू होलसेल मार्केट, यू आर गोइंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यू आर गोइंग थ्रू ई कॉमर्स। आप किस तरह से अपने कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके प्रोडक्ट को किस प्लेस पर करना चाहिए, सर्च राइट प्लेस फॉर राइट कस्टमर। एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को किसी एरिया में, किसी सिटी में, किसी देश में लॉन्च करती है, तो वे देखती है कि उसकी बाइंग कैपेसिटी वाले कंज्यूमर उसको किस जगह पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं गाड़ियों के बारे में, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, ये कंपनीज पहले रिसर्च करती हैं कि कहां पर लोगों की बाइंग कैपेसिटी अधिक है, जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट या इस तरह की गाड़ियों को सेल किया जा सकता है। लाइक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राडो, रोलेक्स, ये एक्सपेंसिव वॉचेस हैं। ये कंपनी भी रिसर्च करती हैं कि कौन सा मेरे कंज्यूमर के लिए राइट प्लेस होगा, जहां मेरे प्रोडक्ट आसानी से बिक सके। वो ऐसे जगह पर अपने शोरूम बनाते हैं जहां पर उतनी बाइंग कैपेसिटी के लोग उन्हें आसानी से मिल सके। एंड द नेक्स्ट इज प्रमोशन। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट भी यदि उसकी जानकारी कंज्यूमर तक ना पहुंचे, तो वो डब्बा बंद रह सकता है, उसकी सेल बिल्कुल जीरो हो सकती है। बिकॉज प्रोडक्ट रेयरली सेल्स इटसेल्फ, प्रोडक्ट अपने आप की सेल खुद जनरेट नहीं करता। आपको प्रमोशन करनी होगी और प्रमोशन के मेथड भी डिफरेंट होते हैं। लाइक ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट, लाइक मॉडर्न एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन के ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्टर्स, लीफलेट्स, होर्डिंग्स, बोर्ड्स, यूनिपोल्स और बहुत सारे ऐसे मेथड्स जिनका प्रयोग आप पहले भी करते थे, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन यदि आपका बजट लिमिटेड है, तो आपको ऑनलाइन प्रमोशन में जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रमोशन बहुत कम कॉस्ट में बहुत बड़े मार्केट को टारगेट कर सकती है और आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ही पिच कर सकते हैं। लाइक फेसबुक पर अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो आप एज लिमिट को सेट कर सकते हैं, आप टाइम सेट कर सकते हैं, आप डे सेट कर सकते हैं, आप ये भी सेट कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप से लेकर और किस जेंडर के लोग मेरे उस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लोग मेरे उस प्रोडक्ट को या मेरे उस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर या कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भरसक प्रयास करती है, लेकिन कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करे, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपका कंज्यूमर ही आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे, उसकी सेल्स की प्रमोशन करे और आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर क्लिक करें। वहां मैंने बताया है कि 6 ऐसे एग्जाम्पल जहां पर कंज्यूमर ही आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजर बन जाता है। प्रमोशन करते समय और प्रमोशन का बजट डिसाइड करते समय ये भी डिसाइड किया जाता है कि आप प्रमोशन ऑफ टाइम प्रमोशन कर रहे हैं या ऑन टाइम प्रमोशन। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज की एडवर्टीजमेंट आपको ऑन टाइम पर मिलती हैं, मतलब जिस समय गर्मी का सीजन शुरू होने वाला होता है उसी समय पर उनका एडवर्टीजमेंट आता है। बहुत सारे वुलन कपड़े बनाने वाली कंपनीज एडवर्टीजमेंट सर्दियों के टाइम पर करती हैं, लेकिन ऑफ टाइम प्रमोशन का प्रयोग भी ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा करती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी जब भी मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो वहाँ पर प्रमोशन करती हैं, जिसको हम ऑफ टाइम प्रमोशन कहते हैं। स्टॉक क्लियरेंस सेल भी इसी कॉन्सेप्ट का एक फार्मूला है। जैसे ही ऑफ टाइम आने वाला होता है, तो वो कंपनीज स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाकर भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके मार्केट में पूरा का पूरा शेयर बेच देती है। और बहुत सारी कंपनीज ऑफ टाइम प्रमोशन करते समय भी जैसे ही सीजन चेंज होने वाला होता है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग करके स्टॉक क्लियरेंस सेल के माध्यम से अपने सारे स्टॉक को सेल कर देती हैं। और कई बार ऑन टाइम प्रमोशन के फार्मूले में भी वो जैसे ही नया सीजन, नया सेशन, नया समय आने वाला होता है, वो न्यू अराइवल का एडवर्टीजमेंट करके भी अपने एडवांस स्टॉक को सेल कर देती है। प्लेस ऑफ एडवर्टीजमेंट डिसाइड करते समय भी कंपनी ये डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किस प्लेस पर की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं, तो इनका एडवर्टीजमेंट आपको स्कूल्स, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशनल एरियाज में दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते समय, एडवर्टाइज करते समय, कंज्यूमर तक पहुंचते समय क्या परेशानी आपके सामने आ रही है, और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर किस तरह से प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन करते हैं। आपका जो भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे।
तो मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आप भी अपनी ज्वेलरीज की वैरायटीज को माय आभूषण ऐप पे डाल सकते हो और सीधा ग्राहकों से जुड़ सकते हो। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।